नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A22 versus Xiaomi Poco M3 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A22 में 6.27 इंच जबकि Poco M3 Pro 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A22 में 2.9 इंच जबकि Poco M3 Pro 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A22 में 0.33 इंच जबकि Poco M3 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A22 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A22 में 186 ग्राम्स जबकि Poco M3 Pro 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A22 में Super AMOLED जबकि Poco M3 Pro 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A22 में 6.4 इंचेस जबकि Poco M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A22 में 720x1600 और Poco M3 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A22 में 84.35% जबकि Poco M3 Pro 5G में 83.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M3 Pro 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco M3 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco M3 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco M3 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A22 में Mali G52 MC2 जबकि Poco M3 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A22 में MediaTek Helio G80 और Poco M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A22 में 6GB जबकि Poco M3 Pro 5G में 4GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A22 में 128GB जबकि Poco M3 Pro 5G में 64GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A22 में 2 कलर्स जबकि Poco M3 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A22 की
18,499 रुपीज, जबकि पोको M3 Pro 5G की 15,990 रुपीज प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A22 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में पोको M3 Pro 5G आगे है। इंटरनल मेमोरी में गैलेक्सी A22 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है जो कि 23,499 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A32 4G है जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A22 5G है जो कि 18,149 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।